सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसको नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी, छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपकी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं कि देखिए, अगर आपको कुछ ऐसे जैसे क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है कई बार कहता है कि मेरा तो वक्त बुरा चल रहा है, कब मेरा अच्छा वक्त आएगा, कब मैं प्रोग्रेस करूंगा, कब मैं जो है ऊंचाइयों को छूंगा, कब मैं करोड़पति बनूंगा, कब मैं करोड़पति से करोड़पति बनूंगा, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में बहुत सारे आते हैं। जब भी पैसा आने वाला होता है, हमारा वक्त अच्छा आने वाला होता है, तो हम लोगों को कुछ संकेत जो है वो मिलते हैं। जी हाँ, कुछ हमें संकेत मिलते हैं जिससे हमें बदलता है कि हमारा भी वक्त जो है बदलने वाला है। अगर आपका भी वक्त बदलने वाला है तो ये संकेत अगर आपको मिलते हैं तो समझ जाइएगा कि आपका वक्त बदलने वाला है। क्योंकि अगर बुरा वक्त है तो घबराइए मत, अच्छा वक्त आपका आएगा ही आएगा। रात होती है तो सुबह होती ही होती है, और सुबह होती है तो रात होती होती है। जिनका अच्छा वक्त है उनका बुरा वक्त आता ही आता है, जिनका बुरा वक्त होता है उनका अच्छा वक्त आता ही आता है। कई बार तो मैं ऐसी कुंडलियां देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ, उस पर रियलाइजेशन करती हूँ कि लोगों ने राजयोग भोग के चले गए। यानी कि ऐसी ऐसी महादशाएं उनको लगी कि उनको जो है ऐसी ऐसी महादशाएं लगी कि उनके जीवन में कोई परेशानी, कोई कष्ट उनके जीवन में आ ही नहीं पाया। ये भी हमारे कर्म ही होते हैं ना। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ, कर्मों पे ध्यान दीजिए, कर्मों पे ध्यान दीजिए, कर्मों पे ध्यान दीजिए। और कई लोगों को मैंने देखा है कि देखिए, छठे भाव में बेचारा गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ था, पूरी पत्रिका बड़ी अच्छी थी। छठे भाव में गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है, पहले उसे जो है राहु की महादशा लग गई, फिर वो राहु की महादशा में परेशान रहा, क्योंकि छठे राहु भाव का राहु भी आपको दुख तकलीफें देता है। ऐसे मत समझिए कि छठे भाव का राहु है तो सब कुछ बढ़िया 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 उतरेगा। वो आपको फंसाएगा, फिर आपको दिखाएगा कि देखो मैंने तुम्हारे सारे दुश्मनों को पस्त अस्त कर दिया है, तो वो ऐसे दिखाता है। फिर उसके बाद वो बेचारा इतनी मुश्किल से राहु की इतने सालों की महादशा उसने भुगती, फिर उसके बाद उसे जो है बृहस्पति की महादशा लग गई। अब बृहस्पति भी बेचारा छठे भाव में बैठा हुआ है, और अगर ऐसे में मकर लग्न हो जाए और या कोई ऐसा लग्न हो जाए जिसमें जो बृहस्पति बिल्कुल ही काम खराब ही कर देता है, तो फिर आप सोच लीजिए कि वृषभ लग्न हो जाए जिसमें बृहस्पति योग कारक नहीं होता है, ऐसे और भी बहुत सारे लग्न होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान जो कहता है कि मेरा तो वक्त मैंने अच्छा देखा ही नहीं, या उसको अष्टम भाव में राहु बैठा है उसकी महादशा लग जाए, उसका जो है बारहवें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ था उसकी महादशा लग जाए। अब देखिए, बुध बैठा हुआ था बारहवें भाव की बुध की महादशा लग गई। तो इसमें क्या होता है कि वक्त जो है, अब मैंने ये देखा है कि इंसान अगर छोटे छोटे अगर हम कर्म करते रहे तो हमारे को बड़ी बड़ी मुसीबतें जो है वो जीवन में नहीं आती है। अब क्या करना है आगे? अब मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपको ये संकेत दिखते हैं तो समझ जाइए कि आपका वक्त बदलने वाला है। जी हाँ, आपका वक्त बदलने वाला है। तो कौन से सपने के संकेत है? जैसे कि कई लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत होती है, सुबह सुबह का सपना अगर आपको आता है और उसमें आप कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, आपको कोई गोल्ड दे रहा है, कोई सिल्वर दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई आपके पितर ही आपको कुछ चीज दे जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपका वक्त बदलने वाला है। आपको सपने में आपके पितर आकर मुस्कुराती हुई मुद्रा में आपको नजर आए, हंसते हुए स्माइलिंग फेस में नजर आए, वो साफ सुथरे कपड़े पहने में नजर आए, तो समझ जाइए आपका वक्त बदलने वाला है। अगर वो आपको गंदे कचाले मचाले कपड़ों में दिखाई दे और आपसे कुछ मांगते हुए नजर आए कि हाँ ये मुझे दे दे, चाहे रोटी ही मांग रहे हो, और चाहे वो कहीं मैंने तो कई बार ऐसे भी सुना कि कई बार रात को जो है सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि चलो आ जाओ पार्क में इकट्ठे घूमने चलते हैं, आ जाओ यहाँ चलते हैं, आ जाओ वहां चलते हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति की पूरा दिमाग उसका आपके उसकी जो इच्छाएं थी वो आपके साथ जुड़ी हुई है। तो तभी तो हम जब शमशान घाट में जाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं कि एक जो पत्ते को तोड़ते हैं, कहते हैं कि और पीछे फेंक देते हैं, कहते हैं कि अब हमारा संबंध तुमसे टूट गया क्योंकि वो किसी और लोग के लिए प्रस्थान कर गया। ये बात को समझिएगा। और जब कोई व्यक्ति चले जाता है तो उसको बार बार याद कर करके रोना भी नहीं चाहिए। ये मेरा टॉपिक से हटके बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज्यादा भी रोएंगे ना आप तो उसकी आत्मा को जो है मुक्ति भी नहीं मिल पाती है। तो प्लीज देखिए, बहुत मुझे लगता है कि देखिए दुख तो दुख है, कोई हमारे माँ बाप चले जाए या कुछ चले जाए, और मेरे फादर नहीं है तो मेरे फादर आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में बिल्कुल बैठे हुए हैं।
जब मैं कई बार बेड से उठती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पास में बैठी हुई थी और ये इस कलर के कपड़े पहन के बैठी हुई थी और बिल्कुल एकदम से उठ के चले जाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मेरी छत पे चक्कर लगा रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं। और फिर जब भी वो आते हैं, जब भी मुझे मेरे फादर नजर आते हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ उस दिन में या उस क्षण में, यानी कि वो दिन मेरा बड़ा चल जाता है या कई दिन मेरे बहुत चले जाते हैं। तो ऐसे ही आप सोचिए और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दूसरा बताती हूँ आपको। अगर आपको घूमते घूमते आपको जो है आपके घर के आसपास जो है वो उल्लू दिख जाए और वो भी सफेद रंग का उल्लू दिख जाए जो लक्ष्मी माता की सवारी होती है, अगर उल्लू दिख जाए तो समझ जाइए आपका वक्त बदलने वाला है, आपके पास भी पैसा आने वाला है। और पैसे के जो है द्वार तो माता रानी कब किसी के किस प्रकार से द्वार खोल देती है वो किसी को नहीं पता। काली चींटियां आपके घर में अचानक से आने लग जाए, और चींटियां तो चींटियां साथ में काले रंग के जो मकौड़े होते ना मकौड़े वो भी आने लग जाए। वैसे तो शनि चार जहां पर भी रहता है, शनि चार में चार वाला व्यक्ति, यानी कि जिसके घर में शनि चार वाला व्यक्ति होता है उसके घर में कपोड़े ये कीड़े मकोड़े बड़े निकलते रहते हैं, उसके घर से अपने आप ही निकलते रहते हैं। तो अब जो है ये चींटियां अगर आपके घर में काले रंग की आने लग जाए या फिर आपके घर में मकोड़े आने लग जाए तो समझ जाइए कि पैसा आने वाला है। चिड़िया जो होती है छोटी सी चिड़िया, वो कबूतर की बात नहीं कर रही मैं, चिड़िया की बात कर रही हूँ। चिड़िया अगर आपके घर में आकर घोंसला बना दे और उसके घर से उसके बच्चे निकलने लग जाए और वो बच्चे मरे नहीं, क्योंकि आप घर में आकर मर जाते हैं वो कोई तोड़ फोड़ दे, तो समझ जाइए आपका वक्त बदलने वाला है, पैसा आपके पास आने वाला है। पहले तो देखिए गांव में क्या होता था कि गांव में गाय वाय अगर घूमती रहती थी, तो शहरों में गाय तो नजर आती नहीं है, और आती भी है तो बहुत मुश्किल से नजर आती है। अगर गाय आप घूमती घूमती आपके घर के पास में आ जाए, अब तो लोगों ने अपनी अपनी सोसाइटीज में इतने गेट लगा दिए तो गाय बेचारी कहां आएगी। अब गाय अगर आपके घूमते घूमते, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हमारा कहाँ कहाँ जा रहा होगा, कोई कहाँ कहाँ के लोग बात करते हैं कि हम तो वहां से इतनी छोटी, मतलब देखिए वहां से आपसे बात कर रहे हैं, तो बड़ी दिल को खुशी होती है कि यार हमारा प्रोग्राम इतनी इतनी दूर जा रहा है तो इतने इतने लोग हमसे बात कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और जो है वहां पर देखिए गाय आती होगी, तो गाय आपके घर में बिन बुलाए आ जाए, मतलब दरवाजे के बाहर आप बाहर निकल रहे तो गाय आ जाए, तो आप समझ जाइए वक्त बदलने वाला है। आप घर से बाहर निकले और जमादार आपको जो है झाड़ू मारता मारता हुआ नजर आ जाए, उसको 20 रुपए का नोट दीजिए, फिर चल के देखिए और कितना मजा आएगा, आपको लगेगा मेरा वक्त बदलने वाला है। सपनों में आपको पितर दिखाई दे, वो मैंने आपको बता ही दिया, अगर पितर आपसे कुछ मांगते हैं तो आपको मैं चले उपाय बता ही देती हूँ। अगर पितर आपसे कुछ मांगते हैं तो उनके लिए रोटी निकाल के जो उनको पसंद थी चीज वो जाके बैल को या नंदी बैल को जाकर खिला दे तो आपका वो ठीक हो जाता है। अच्छा, घर से बाहर निकलते वक्त कोई लेडीज आपको नजर आए, कुछ सुहागन आपको दिख जाए, कोई लेडीज अच्छा चूड़िया नई न्यूली मैरिड वेड लेडी आपको दिख जाए, तो समझ जाइए आपका वक्त जो है वो बदलने वाला है। आपको घर से बाहर निकलते वक्त कोई मोर दिख जाए, जी हाँ मोर दिख जाए और क्या कहते हैं कि जो है और आपके साथ में जो है नेवला आपको दिख जाए, नेवला मुझे नेवला तो कभी नहीं दिखा, मोर तो मेरे घर के पास में आते रहते हैं, मेरे दो मोर मेरे घर के सामने वाले नीम के पेड़ में सोते हैं और दो मोरनिया जो है मेरे इस तरफ वाले एक और पेड़ है, मुझे पता नहीं है बहुत बड़ा पेड़ है तो उसपे सोती है, दो मोरनिया इधर सोती है दो मोर इधर सो रहे होते हैं। तो मैं बालकनी में जाती हूँ रात को, मैं जब चक्कर लगाती हूँ बालकनी में तो दो मोर इधर होते हैं दो मोरनिया इधर होती है, तो बड़ा छकता है। तो अगर आपके नेवला आपको दिख जाए और आपको कोई मोर दिख जाए तो समझ जाइए वक्त बदलने वाला है। मोर का पंख आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, सोने पर सुहागा। और हाँ जी हाँ, छिपकली जिसको हम कहते हैं, छिपकली किस चीज की होती है, केतु की होती है। छिपकली अगर आपको दिख जाए और छिपकली जो है आपको वो एक छिपकली दूसरी छिपकली को तेजी से भाग पीछे 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 भाग रही हो तो समझ जाइए आपका वक्त बदलने वाला है, जी हाँ। और भगवानों के सपने अगर आपको आ जाए, प्रसन्न मुद्रा में भगवान आपको दिखे तो समझ जाइए आपका वक्त बदलने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी, लेकिन आपको जो भी मुझे लगता है कि टॉपिक हाँ ये इस बारे में बताना चाहिए मेरे प्यारे दर्शकों को, तो मैं लेकर आती हूँ वो टॉपिक। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, काम ना चल रहा हो, आपकी दुकान नहीं चल रही हो, आपको ऑफिस में दिक्कत परेशानी हो, या आपके घर में शादियां ना हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम चाहे वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो इस नवरात्रि में हमसे संपर्क करें और अपनी उस समस्या का जड़ से उपाय जो है वो करवाएं। जी हाँ, जड़ से उपाय करवाएं। कितने समय तक अपने आप को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे,
और उस चीज का अगर हम जड़ से अपने भावों को जड़ से अगर उसकी मरम्मत कर ले, उस हाउस की मरम्मत कर ले, उसे पॉलिश कर ले, उसकी उसकी पॉजिटिविटी को ले, तो आप सोचिए कि आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। अपने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हमसे लें। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकुर आपसे विराम लूंगी, लेकिन आपको बोलना चाहूंगी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। राधे राधे। आप हमसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब एंड फेसबुक आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर, इंस्टाग्राम आदित्य कुंडली।